वाली उस समय भोज को नाम रानी लौबा का राव की मोती मेल से उतार गढ़ गोठावे हरि भावी सा थाने बना दूं लोड़ी सोक भगवान लोड़ी कोई के मत के दियो काम का होड़ा नहीं पड़े थारा जोड़ो रे मारना बेठोरो नहीं बढ़ जागो लोड़ी सोक का ऐसा बताया गया है कि लोड़ी गारा की भी खोटी मूर्ति बन के चाली फरे वा तो ठीक है पर गारा की अगर कमले खड़ी कर दी नहीं वा भी खोटी हो जाए। एक दादा के दो पत्नी थी। ले थारी बात को उत्तर दे दूं। हाँ जत्तो दो पत्नी भैया क्या वी दो ही आपस में झगड़ती घनी दो ही की मारी परेशान हो गए घनी लड़ रहे वो आंगना में बैठो दो ही लड़ रही घर ओने की के लड़ो मत रुको आज तुम्हारा हिस्सा बांटा कर दूं क्या ठीक बड़ी पत्नी से बोलियो कि एक हाथ में एक पांव थारो और एक हाथ और एक पांव छोटी अब कभी मत लड़ जो दोई के ठीक शाला को समय बड़ी भाई पानी लेवा गई छोटी घर में काम कर उनी बड़ी भाई को जो पग बांटे आयो तो नहीं वो पग उन छोटी का पग पे पड़ियो कुर्सी बैठा था बेवड़ो लेके आई और उन्हें देखियो कुमारी शोक को पग ने मार पग के ऊपर पड़ी बेड़ो चुपचाप उतारी होटली पे धर दियो और सारा मुसलो पड़े तो अबे तो मुसला का समय खत्म हो गया तो की मुसलो जो ठोकी उन दादा का समय मारी शोक को पग ने मारा पग के ऊपर पड़ियो मशान लिया अब गुण भोती किया दयालु मैंने अब गुण भोती किया माता ने यह आवाज सुनी सती करवा लागी अपना देवर से बात
देखना माता किस प्रकार से अपना देवर को समझा दिया। जनी पीपल की छाया में बैठा वो नाना, ये बात ये अरे थे वाकी काटिया भाई लकी नारी
और तीसरी भाई लाता नारे तीन नारी के अगर त्याग देगा नाना तो थार से राजी रेवे गो करतार कई साधु माता और कई नहीं हो जी सुने फिर हमेशा सांची बात करने लागे ये मारा पिया रे ये चालो रे नाना ये मागे I'm not.
Thank you.
हमेशा हमारी छोटी बहन मानुआ नाना वाने लाओ छोटा गाम सबई भोज का बादल मेल की माई नाना वाका में घना लड़ूंगा लाड़े जा सती ने कहा कि नाना ऐसी रानी किसी रूपाली है वाका थोड़ा बहुत बखान तो बता दो मारे कि रानी कितनी सुंदर है स्वरूप जो है ना परमात्मा स्वरूप किसको भी दे सकता है जा कई नया जी एवे और कई साडू माता सुने किस प्रकार से रानी का बखान किया जाए और वातो माता जगदम्बा थी साहब जगत जननी थी माता पार्वती थी ओका बखान का तो कहीं अपने पास में मोल ही नहीं है कि जिनका अपना बखान कर सके जा पता जैसी पातड़ी भाभी मागे ये वाका पाऊं देवो